दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे कुछ सेहत से जुड़ी। हर घर की रसोई में सौंफ उपलब्ध होती है। बचपन से हमने सुना है कि सौंफ शरीर के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर्स की माने अगर सही समय पर सही मात्रा में सौंफ खाई जाए तो एक या दो नहीं अनगिनत बीमारियों की रोकथाम में कारगर है। आज हम आपके लिए ही जानकारी लेकर आए हैं। आइए हम बताते हैं आपको कि सुबह खाली पेट से लेके रात में डिनर तक सौंफ को अपने खान पान में किस प्रकार उपयोग करना है, आइए जानें। रात में पिसी हुई सौंफ थोड़ी सी मोटी या कुछ दाने पानी में भिगोकर रखें करीब आधा चम्मच और सुबह खाली पेट इस पानी को पीना है। अगर दाने हैं तो इसे चबाकर खा लें। इससे जल्दी वजन घटाने में मदद मिलती है, पाचन क्रिया बेहतर होती है, पेट में एसिडिटी नहीं बनती। इसके अलावा पेट की गैस, खट्टी डकार आना तथा खाना पचने में होने वाली समस्याओं से निजात मिलती है। दोपहर लंच के बाद आधा चम्मच सौंफ पतली वाली माउथ फ्रेशनर का काम करती है। मुँह की बदबू भगाने के अलावा ये खाना पचाने में मदद करती है। डॉक्टर बताते हैं कि सौंफ में फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है जो वसा को कम करने और हार्ट संबंधी विकारों में लाभदायक होता है। एक्सपर्ट लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि सौंफ का नियमित सेवन शरीर में कैंसर बनने से रोकता है। सौंफ से मिलने वाले एनेथॉल कंपाउंड में कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और लीवर कैंसर में सौंफ रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। सौंफ में मौजूद विटामिन सी और क्वेरसेटिन शरीर में सूजन कम करने में मदद करती है। सौंफ के दाने चबाने से सलाइवा में पाचक एंजाइम बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रहता है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल रखता है। रात में खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खा सकते हैं पतली वाली। इसके अलावा घर में सब्जी, सीताफल, अचार, करेला, सूखी सब्जी में चाय का उपयोग कर सकते हैं। चाय में भी सौंफ के मोटी वाली गिनती के 8-10 दाने डाल सकते हैं। दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने अपना समय निकाला, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।